गुड मॉर्निंग एवरी वन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फाइन टूडे वी विल डिस्कस ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट स्मार्ट चार्ट में ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सो so पहले हम स्मार्ट चार्ट को कम्प्लीट करेंगे सो so इसके लिए हमें ये क्वेश्चन करना है अमित सोड अ फ्यू सीड्स ऑफ मूंग दाल इन द ग्राउंड द हाइट ऑफ द प्लांट ग्रू टू वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर इन द फर्स्ट फोर डेज आफ्टर दैट इट स्टार्टेड ग्रोइंग फास्टर ओके क्या मतलब है अमित जो है एक लड़का है उसने कुछ सीड्स डाल दिए मूंग दाल के ग्राउंड में ओके ताकि उससे प्लांट उग सके सो so, जो हाइट है प्लांट की वो पहले चार दिन में कितनी हुई वन पॉइंट फोर सी एम ओके और उसके बाद उसको वो थोड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी लाइक देखो आप डे दे ज़ीरो लिखा है उसके बाद फोर लिखा है so, सो पहले ज़ीरो थी फिर हाइट गई वन पॉइंट फोर फिर उसके बाद एट डेज़ में कितनी होगी फाइव पॉइंट थ्री ट्वेल्व डेज़ में कितनी होगी नाइन पॉइंट फाइव सो ऐसे करके धीरे धीरे वो बढ़ने लग गई उसके बाद अमित ने इसका एक चार्ट बना दिया ओके okay? क्योंकि हम स्मार्ट चार्ट में क्या करते हैं चार्ट बनाते हैं और अपना जितनी भी ये डाटा हमारे पास में है ये इन्फॉर्मेशन हमने उस चार्ट में डाल दी और हर जगह एक डॉट लगा दिया अभी हम आगे देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे ओके okay? ये चार्ट अमित ने बनाया है ओके यहाँ पे आगे डेज कितने डेज में क्या क्या हुआ जीरो डे फिर फोर फिर एट फिर ट्वेल्व फिर सिक्सटीन फिर ट्वेंटी और यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लांट कितनी कितनी बड़ी सेंटीमीटर में सो जीरो से लेके वन सेंटीमीटर के बीच में भी टेन लाइंस हैं वो पॉइंट वन वन करके हम उसमें जोड़ेंगे ओके सो तो क्वेश्चन पूछा है आपको ग्रोथ चार्ट देख के बताना है बिटवीन विच डेज द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंजेज़ द मोस्ट ओके सबसे ज़्यादा किस में चेंज आया है okay? ओके आपको कैसे करना पहले ज़ीरो पे देखो ज़ीरो पे तो जीरो थी फिर फोर डे में कितनी होगी वन पॉइंट वन टू यहाँ तक आप इसको स्केल से कर सकते हैं स्केल से ऐसे खींच लेना जहाँ पे ये रुकेगा आप उसको नापो यहाँ पे जैसे आ रहा है ये वन पॉइंट वन पॉइंट थ्री है ओके okay? सो so, वन पॉइंट थ्री फोर्थ को हुई और जीरो को तो जीरो थी सो so, इसमें से माइनस आएंगे तो वन पॉइंट थ्री ए आएगा फिर हम देखेंगे फोर और एट में फोरथ डे में कितनी थी यहाँ पे फोर्थ डे पे थी हमारी वन पॉइंट थ्री और एट्थ डे पे कितनी है हमारी फाइव के आगे हम इसको ज्वाइन करेंगे जो डॉट दे रखे उसके आगे आप स्केल लगा के उसको ज्वाइन कर लो सो फाइव पॉइंट टू सो जब हम इसको माइनस करेंगे कितना आएगा वो आपको निकालना है फिर आप देखोगे कि एट्थ में एर्थ में हमारी है फाइव पॉइंट टू और ट्वेल्व में हमारी कितनी है नाइन पॉइंट नाइन पॉइंट फाइव सो नाइन पॉइंट फाइव में से हम फाइव पॉइंट टू माइनस करेंगे सो so जो आंसर आएगा वो हाईएस्ट होगा सो so हमें इससे पता चल जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा जो लेंथ का चेंज है वो कहाँ कब हुआ एट और ट्वेल्व में ठीक है सो so, आप माइनस प्लस माइनस तो आप इजीली करते हो सो so, वो आप आंसर निकाल के देख सकते हैं आंसर है इसका थर्ड ऑप्शन व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ द प्लांट ऑन द फोर्टीन डे आपको गैस करना है आप यहाँ पे देख रहे हो ट्वेल्व का दिया हुआ है और सिक्सटीन ट्वेल्व को कितना है अप्रोक्सीमेटली है नाइन ठीक है जो यहाँ पॉइंट दिया है आपको स्केल से उसके आगे रखना है और यहाँ पे इसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है जहाँ पे वो रुकेगा आप उसको नाप Okay? यहाँ पे लिख सकते हैं मेरा नाइन पॉइंट फाइव और सोलह दिन में कितना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली टेन टून टू है हमारा तो अब हमें क्या देखना है कि फोर्टीन डे पे क्या होगा ट्वेल्व में इतना है थर्टीन में इतना है फोर्टीन में कितना होगा ठीक है ट्वेल्व में इतना है थर्टीन देन दूसरी जो लाइन है फोर्टीन और तीसरी लाइन है फिफ्टीन की तो फोर्टीन डेज में क्या होगा टेन पॉइंट टू और नाइन पॉइंट फाइव के बीच में सो so, हम अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं नाइन पॉइंट नाइन होगा ओके विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम नो क्या वो हमेशा बढ़ता रहेगा नो वट विल बी देंस ऑन द हंड्रेड डे जिस हिसाब से हमें दिखाया है कि यहाँ ट्वेंटी डे पे कितना बढ़ गया है इलेवन सेंटीमीटर सो थोड़ा थोड़ा वो बढ़ रहा है सो so, वो कहाँ तक पहुँच जाएगा कहाँ पे पहुँच जाएगा वो हंड्रेड दे पे 17 टू एटीन सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है ओके सो so यहाँ पे हमारा हो गया स्मार्ट चार्ट कंप्लीट ओके अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर थर्टीन वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ओके क्या होते हैं कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं तो कौन कौन से तरीके हैं हम नॉर्मल एक मल्टीप्लाई करते हैं जैसे ट्वेल्व इंटू फोर ये आपको इजीली आता है ये मल्टीप्लाई है और ये है हमारा साइन डिवाइड करने का बट इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और कौन कौन से हम मेथड यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मनी रत्नम कैशियर कैशियर क्या होता है जो पैसे का हिसाब किताब रखता है पैसे कलेक्ट करते हैं सो मनी रत्नम कैशियर है किंग जयन के पास और उसकी जॉब ये है कि उसको सबको सैलरी देनी है और पता लगाना है कितनी सैलरी है जो भी पीपल काम करते हैं किंग के लिए ओके सो so, इस चार्ट में ये दिखाया है कि कितनी कितनी सैलरी हर पर्सन को मिलती है मिनिस्टर को मिलती है वन नाइनटी फाइव हॉर्स राइडर को मिलती है सेवेंटी सिक्स कुक को मिलती है सिक्सटी फाइव सो मनी रत्नम को कैलकुलेट करनी है सैलरी ऑफ कुक कुक की सैलरी करनी है फॉर द मंथ ऑफ जनवरी सो जनवरी में कितने डेज हैं थर्टी वन तो हमें थर्टी वन डेज़ के लिए उसकी सैलरी निकालनी तो हमें उसके लिए ये मेथड जो यहाँ पे आपको शो किया है ये लगाना है पहले हम थर्टी की निकालेंगे फिर वन की निकालेंगे तो ईजिली हमें आंसर आ सकता है ओके okay? सो so इसके लिए आप कैसे ही करेंगे ये मैथड कैसा है जैसे सिक्सटी फाइव रुपीज़ है तो आप इसको सिक्सटी प्लस फाइव लिख सकते हो है ना और थर्टी वन है तो इसको आप थर्टी और वन लिख सकते हो तो पहले आपको थर्टी को सिक्सटी से करना है और इस बॉक्स में लिखना है और देन थर्टी को फाइव से करना है तो इस बॉक्स में लिखना है अब सिक्सटी को आपको थर्टी से करना है तो यहाँ पे आ जाएगा वन एट ज़ीरो ज़ीरो और थर्टी को फाइव से करोगे थर्टी इंटू फाइव तो आ जाएगा वन फिफ्टी ओके देन सिक्स अब वन है यहाँ पे वन को भी हम ऐसे करेंगे वन को सिक्सटी से सो सिक्सटी और वन को फाइव से सो फाइव और फिर हमारे पास ये जो वन टू थ्री और चार नंबर आए इनको हम प्लस कर देंगे जैसे कि यहाँ पे की है एटीन हंड्रेड प्लस वन फिफ्टी प्लस सिक्सटी प्लस फाइव सो आंसर आ गया हमारा टू ज़ीरो वन फाइव ओके तो ये एक मैथड है कैसे हम कर सकते नेक्स्ट है मनी रत्नम की डॉटर बेला ने एक और मेथड सीखा मल्टीप्लाई करने का और उसने अपने ब्रदर को भानु को दिखाया देखो उसने कैसे किया सिक्सटी फाइव को थर्टी वन से करना था क्योंकि थर्टी वन दिन की निकालनी है और एक दिन की उन्होंने दी हुई है तो उन्होंने उसने क्या किया पहले उसने सिक्सटी फाइव को वन से कर दिया तो यहाँ लिख दिया सिक्सटी फाइव ओके और दूसरा उसने थ्री को फाइव से कर दिया सिक्सटी फाइव को थ्री से कर दिया पहले उसने वन से किया दैन सिक्सटी फाइव को थ्री से किया सब आया वन नाइन फाइव जीरो यहाँ पे लिख दो सिक्सटी फाइव इंटू थर्टी सो so आंसर इसको भी जब प्लस करेंगे तो टू जीरो वन फाइव ही आएगा सो so एक ये भी मेथड है जिससे हम कर सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली सिक्सटी फाइव को पहले उसने वन से कर दिया तो पहले आपको इस नंबर से करना है सिक्सटी फाइव फिर सिक्सटी फाइव को ही उसने थ्री से किया और यहाँ पे लिख दिया और दोनों को उसने कर दिया इन और प्लस कर दिया तो आंसर है टू वन ज़ीरो यहाँ पे वन और थर्टी क्यों किया क्योंकि हमें थर्टी निकालना है तो 30 होता है 30 प्लस 1 तो पहले उसने 1 से किया और फिर क्या बचा 30 तो उसने 30 से किया ओके okay? क्लियर है क्लियर है आपको ये जैसे कि 65 को 31 से किया तो 30 1 होता है 30 प्लस 1 तो पहले उसने कर दिया 1 से और फिर कर दिया 30 से ओके okay? नेक्स्ट अब बानू ने एक और निकालनी चाहिए सैलरी मिनिस्टर की जनवरी के लिए ओके सो so, uh, मिनिस्टर की सैलरी निकालनी थी तो वन नाइन्टी फाइव एक दिन की है उसको निकालनी है थर्टी वन से सो so, सेम मैं तो रूस ने किया थर्टी वन को करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले वन से इंटू करना पड़ेगा वन नाइन्टी फाइव को और फिर करना पड़ेगा वन नाइन्टी फाइव को थर्टी से ओके सो so, यहाँ पे देखो आप 195 वन नाइन्टी फाइव इंटू वन यहाँ आ गया वन नाइन्टी फाइव फिर थ्री से किया तो ये आ गया जब हम इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा सिक्स जीरो फोर फाइव ओके नेक्स्ट है बेला ने यही मेथड यूज किया मल्टीप्लाई करने के लिए सो so, आपको ये मेथड करना है ये यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक ओके आपको सॉल्व करना है थर्टी टू इंटू फोर्टी सिक्स सो कैसे करेंगे थर्टी टू इंटू फोर्टी सिक्स तो पहले फोर्टी सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं फोर्टी प्लस सिक्स तो पहले हम थर्टी टू को करेंगे सिक्स से जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे और फिर हम थर्टी टू को करेंगे फोर्टी से तो जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे और आंसर जब हमारा आया हमने किया वन टू एट ज़ीरो और फिर हम उसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा वन फोर सेवन टू ओके क्लियर ऐसे ही एक और एग्जांपल है सिक्सटी सेवन इंटू एटीन अब सिक्सटी सेवन को क्या कर सकते हो सिक्सटी प्लस सेवन तो पहले क्या 67 आएगा सिक्सटी सेवन और एटीन आएगा ओके इनटू करना है हमें तो हमने क्या किया सिक्सटी सेवन को पहले करेंगे एटीन से सो so, हमें एटीन को खोलना है यहाँ पे तो एटीन को हम करेंगे टेन प्लस एट तो पहले इंटू करेंगे क्योंकि हम अभी तक क्या कर रहे हैं नीचे वाला नंबर ही पहले उसको खोलते हैं जैसे फोर्टी सिक्स है तो फोर्टी प्लस सिक्स तो इसमें क्या है एटीन तो एटीन होगा टेन प्लस एट ओके ऊपर वाला नहीं करना सिक्सटी सेवन ऐसा ही है बट एटीन जो है उसको हमने टेन प्लस एट कर दिया तो सिक्सटी सेवन को इन करेंगे एट से यहाँ पे आएगा फाइव प्लस थ्री सिक्स एंड देन सिक्सटी सेवन को करेंगे टेन से तो आएगा सिक्स सेवेंटी तो आंसर आ गया वन टू ज़ीरो सिक्स ओके नेक्स्ट ऐसे ही आपको और सॉल्व करने हैं दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन फोर्टी सेवन इंटू नाइनटीन वन एटी एट इंटू नाइनटी वन सिक्सटी थ्री इंटू फिफ्टी सेवन एंड टू ट्वेंटी फाइव इंटू ट्वेंटी टू सबको नीचे का नंबर देखो नाइनटीन को क्या करोगे टेन प्लस नाइन तो पहले होगा नाइन से फिर टेन से इधर होगा नाइन्टी वन नाइन्टी वन को कैसे करोगे नाइन्टी प्लस वन तो पहले होगा वन से देन नाइन्टी से ओके okay, आपको इंटू करना है और आंसर प्लस करना है सिक्सटी थ्री इंटू फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन के लिए क्या करोगे फिफ्टी प्लस सेवन पहले करोगे सेवन से देन फिफ्टी से ट्वेंटी टू के लिए ट्वेंटी प्लस टू पहले करोगे टू से देन ट्वेंटी से उसके बाद ट्वेल्व ट्वेल्व के लिए टेन प्लस टू पहले करेंगे टू से देन टेन से फोर्टी टू के लिए फोर्टी प्लस टू पहले करेंगे टू से देन फोर्टी से ओके okay? जो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है वन सिक्सटी थ्री इन्टू टू वन सिक्सटी इंटू फोर्टी सो यहाँ पे सारा आपका सोल्यूशन दिया है और आपको पहले प्लस करना है फिर आंसर अपना मैच करना है एंड दिस यू हैव टू डू इन योर नोटबुक ऑल्सो ओके दैट्स ऑल फॉर टूडे आई होप आपको समझ आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग